नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे आपके चैनल पे एटमिक्स ब्लॉग्स पे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने डॉग को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग नहलाते हैं तो मेंटेन रहते हैं, पर जब आप नहलाते नहीं, उसको साफ़ सुथरा आपको रखना है, तो किस तरह से आप साफ़ सुथरा उसको रख सकते हैं। क्योंकि पाँव के नीचे भी आप देखोगे तो उसका जो स्किन है कभी कभार फट जाती है, तो उसके लिए कौन सी ट्यूब आती है, कान में काफ़ी ज़्यादा मेल आ जाता है तो वो कैसे साफ़ करे, और भी कुछ ऐसा है जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हो। तो काफ़ी एक अच्छी वीडियो होने वाली है, छोटी सी वीडियो होने वाली है जो आपके और आपके डॉग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहने वाली है। सो गाइस, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे जो है मैक्स अभी बैठ चुका है, और यहाँ पे जो इसने खाना वाना खा लिया, अभी इसको थोड़ी बहुत नींद आ रही है। बट मैं दोपहर के टाइम इसलिए चूज़ किया क्योंकि अभी धूप आ रही है, आप देख सकते हैं। तो इसको अगर बाय चांस मैं कभी कभार साफ़ करते करते थोड़ा बहुत गीला हो जाता है तो जल्दी से सूख जाएगा, और दोपहर के टाइम में क्या ये आराम से सारे जो मैं इसको कुछ करता हूँ तो ये आराम से बैठा रहता है, इससे ज़्यादा मस्ती नहीं करता, तो जल्दी से काम भी फिनिश हो जाता है। उसके साथ साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े बहुत मैंने जो है प्रोडक्ट लिए है जो कि इसको साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा अभी मदद होगी, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको कान की बात करता हूँ। तो आप हमेशा याद रखना कि जो डॉग के जो कान होते हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर, ये देख सकते हैं थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे मेल देखने को मिलेगा, बट इसके अलावा अगर आप डॉग के अंदर कभी कभी देखोगे तो टिक्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे आपको, और जो फंगल इन्फेक्शन आप देखते हो उस तरह से भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम कान साफ़ करते हैं, तो उसके लिए आप इस तरह से कपड़ा ले सकते हैं आप। इसके अलावा आप कॉटन भी ले सकते हैं, और ध्यान रखना आपको ज़्यादा गीला नहीं करना, सूखे कपड़े से या फिर सूखे कॉटन से ही साफ़ करना है इस तरह से। और कभी भी नहलाते हो तो पानी अंदर नहीं जाना चाहिए कान के अंदर, नहीं तो फिर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा निकल रहा है। तो ये तो बहुत कम है क्योंकि मैं रेगुलर इसकी साफ़ सफाई करता हूँ। अगर आप नहीं करते तो क्या होता है, उसमें स्किन इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसके कारण कान दर्द करता है। तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर की राय ज़रूर से लीजिएगा, वो आपको ट्यूब वगैरह देंगे और भी आपको बताएंगे क्या क्या कैसे किस तरह से फंगल इन्फेक्शन ठीक कर सके। तो इस तरह से आप 15-20 दिन के अंदर भी कर सकते हैं, या फिर जब आप उसे नहलाते हो तब भी आप इस तरह से ऐसा कर सकते हैं। आपको धीरे धीरे करना है, और अगर आपका डॉग इस तरह से आपको नहीं करने देता है तो आप उसको कुछ खाने के या खेलने के लिए दे सकते हैं। मेरा डॉग हालांकि परेशान नहीं करता, तो इस तरह से मैं आसानी से वो साफ़ जो है कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं इससे क्या होता है, बहुत सारे जो स्किन इन्फेक्शन या फिर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो उससे आपके डॉग को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। तो अभी हम जो दूसरा कान है उसको भी साफ़ कर लेंगे। तो आपका डॉग अगर खेलता है तो उसको खेलने दीजिएगा, आप आराम से उसका अपना काम जो है करते रहिएगा, यानी उसको भी ज़्यादा कुछ परेशानी ना हो। तो आप देख सकते हैं ये मैक्स अभी खेलने के मूड पे आ रहा है, बट जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई करनी है इसकी, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो आप देख सकते हैं ये कान में ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये कान मैंने परसों ही साफ़ किया था, हालांकि मुझे थोड़ा बहुत दिखा तो मैं तुरंत ही साफ़ कर दिया। तो हमेशा आप अपने डॉग को क्लीन और अच्छा रखिएगा। आप देख सकते हैं इसका कान पहले से भी बहुत ज़्यादा साफ़ है, बट मैं फिर भी आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना आए। तो इसमें से अभी कुछ ज़्यादा निकलेगा नहीं क्योंकि मैंने टोटली साफ़ कर लिया। आप चाहे तो रुई से या फिर कॉटन से भी साफ़ कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत अगर आप अंदर ज़्यादा अंदर उंगली ना डालें तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाहर बाहर से आप साफ़ करें तो वो अच्छा। अगर आपको ज़्यादा कुछ ऐसा लग रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाके दिखा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं जो स्किन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है उसके लिए। तो आप देख सकते हैं आपका डॉग जहाँ पे बैठता है वहाँ पे आप थोड़ा बहुत कोकोनट ऑयल वहाँ पे लगा सकते हैं। हालांकि कोकोनट ऑयल से कोई भी डैमेज आपके डॉग को नहीं होता है, आप चाहे तो चेहरे पे थोड़ा बहुत लगा सकते हैं जिसके कारण उसको अगर कुछ लगा है, या फिर उसको हेयर के लिए भी आप थोड़ा बहुत लगा सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे की तरफ भी आपका डॉग बैठता है वहाँ पे भी आप जो है लगा सकते हैं। यहाँ पे आप जो है स्किन रिलेटेड जो आता है ट्यूब वो भी लगा सकते हैं, हालांकि मैं वो भी लगाता हूँ बट ये भी कभी कभार लगा देता हूँ। उसके अलावा आप देख सकते हैं ऐसे जहाँ पे टांग होती पीछे उसके नीचे भी आपके डॉग को कभी कभी ब्लैकनेस या फिर रेडनेस होता है, तो वो हालांकि ज़्यादा करके डॉग में होता ही है, तो उसके आप जो है कोकोनट ऑयल यूज़ करके इस तरह से निकाल सकते हैं। हालांकि पूरी तरह से नहीं जाता, धीरे धीरे करके जाता है, बट इस तरह से क्या होगा कि एक तरह से साफ़ सफाई भी हो जाएगी और आपका डॉग ज़्यादा परेशान भी नहीं होगा। तो गाइस, कभी भी इस तरह से आप ऐसा मत कीजिएगा कि आप नहीं कर सकते। आप अगर आपके पास डॉग है तो घर का मेंबर है तो आपको उसकी साफ़ सफ़ाई रखनी पड़ेगी, और उसमें कोई दिक्कत या प्रॉब्लम या शर्म की बात नहीं है, क्योंकि आप अगर जितना ज़्यादा अपने डॉग को साफ़ सुथरा रखोगे उतने ही उसको जो है बैक्टीरिया हो गए या फिर स्किन इन्फेक्शन हो गया या फिर और भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे स्किन इन्फेक्शन जैसा लग रहा है तो उधर मैं ट्यूब लगा देता हूँ, जो कि अगर आप इस तरह से आप बॉडी भी चेकअप करते हो तो भी आपको पता चलेगा कि क्या क्या कुछ हो रहा है।
तो वहाँ पे थोड़ा बहुत रेडनेस हो रहा है, तो वहाँ पे मैं इस तरह से एक ट्यूब लेके आया था मैंने, जैसे कि वीडियो में बताया। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर जाके देख सकते। तो आप वहाँ पे हल्का सा जो है अप्लाई आपको कर देना है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर कुछ रेडनेस हो गया तो वो भी ठीक हो जाएगा, आपका डॉग का ज़्यादा फैलेगा नहीं और स्किन एलर्जी नहीं होगी। तो कभी भी आप अपने डॉग को, हालांकि 20 से 21 दिन हो जाने के बाद आप मेंटेन ज़रूर रखिएगा। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में मैंने जो स्किन इन्फेक्शन से लेके गया था डॉक्टर को, पूरी तरह से ठीक हो गया है। आप देख सकते हैं जो बाल है मैंने थोड़े बहुत वहाँ से कट कर दिए ताकि वो आराम से वहाँ पे ट्यूब अप्लाई हो सके और उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बाल आ जाएंगे 4-5 दिनों के अंदर, इसमें कुछ ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो गाइस जो नेक्स्ट क्लीन करने का तरीका है वो है आपके डॉग के पाँव के नीचे वाला हिस्सा। वो उसके जो मैं सारे प्रोडक्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा अप्लाई करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कभी कभार आपके डॉग के जो पाँव के नीचे वहाँ पे फट जाता है या रेडनेस होता है, तो ये लगाने से आपके डॉग का जो पाँव काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे, स्मूथ रहेंगे और वो ज़्यादा फटेंगे भी नहीं। हालाँकि अगर आपको आपके पास ये ट्यूब नहीं तो आप घर में जो कोकोनट ऑयल है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट वो अप्लाई ज़्यादा नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा ही करना है। तो ये मैं चारों पैर पे लगा देता हूँ, हालांकि 15-15 दिन के अंदर ही मैं लगाता हूँ, रेगुलर नहीं लगाता। अगर आपके डॉग को ज़्यादा है तो आप 2 या 3 दिन के गैप में भी लगा सकते हैं या फिर 1 दिन के गैप में भी आप लगा सकते हैं। तो ये मैं लगा देता हूँ, आप देख सकते हैं। आप थोड़ा बहुत इसको पाँव भी शाइन दिख रहे हैं आपको वीडियो में, हालाँकि दिख रहे हैं कि मुझे पता नहीं, बट थोड़ा बहुत शाइन ही लग रहा है ये लगाने के बाद। तो इसमें आप जो है और भी इसके नीचे भी आप बीच में देख सकते हैं कि अगर कुछ आपके डॉग को अगर कुछ ऐसा यहाँ पे टिक्स वगैरह फंसे हो तो वो भी आप निकाल सकते हैं, कि टिक्स कभी कभार यहाँ पे फंस जाते हैं तो वो खून चूस लेते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। टिक्स के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको पूरी तरह से, क्योंकि उसके पाउडर्स भी आते हैं और जो है उसके स्प्रे भी आते हैं। मेरे पास स्प्रे पड़ा है, मैं तो मैं आपको स्प्रे के बारे में बता दूंगा। तो अगर आपको जल्दी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जल्दी से वो वीडियो बना दूंगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको चारों पैर में जो है अप्लाई कर देना है। सो गाइस इस तरह से आप जो है आपके घर में अपने डॉग को छोटे छोटे मोटे जो है क्लीन आप खुद में कर सकते हैं। घर पे आप ब्रशिंग कर सकते हैं, इसको जो है गीले कपड़े से साफ भी रख सकते हो। तो गाइस आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।